नवजात शिशु में जॉन्डिस होने का रिस्क नॉर्मल बच्चों से ज्यादा रहता है। पहले 48 से 72 घंटे में लगभग 60% बच्चों में जॉन्डिस की परेशानी आती है और उसमें से कुछ बच्चों को उसकी ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है। नवजात शिशु का जो जॉन्डिस होता है वो बहुत ही कॉमन परेशानी है, लेकिन कुछ बच्चों में इसकी कॉम्प्लिकेशंस सीरियस हो सकती हैं, इसलिए इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ अग्रवाल है। मैं नवजात शिशु और बच्चों का विशेषज्ञ हूं, खेत्रपाल हॉस्पिटल बालीनगर दिल्ली में। आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न जॉन्डिस के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन परेशानी है न्यूबॉर्न बेबीज में। जब नवजात शिशु जन्म के पहले हफ्ते में हमें पीले दिखाई देते हैं, इस कंडीशन को न्यूबॉर्न जॉन्डिस या नवजात शिशुओं का पीलिया कहा जाता है। नवजात बच्चों के अंदर पीलिया बहुत ही कॉमन परेशानी है और इसके कारण बड़े बच्चों से और अडल्ट से बहुत अलग होते हैं। लगभग 60% न्यूबॉर्न्स में ये कंडीशन देखी जाती है, लेकिन अगर बच्चे वक्त से पहले पैदा हों या प्री मैच्योर होते हैं तो ये कंडीशन ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। ऑलमोस्ट 80-100% प्री मैच्योर बेबीज में जॉन्डिस देखा जाता है। तो आइए जानते हैं न्यूबॉर्न जॉन्डिस के कारण। सबसे जरूरी कारण न्यूबॉर्न जॉन्डिस का, बच्चों में रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाओं के अधिक मात्रा होना है। जब ये लाल रक्त कोशिकाएं टूटती हैं तो एक बिलीरुबिन नामक येलो पिगमेंट रिलीज होता है, जो आंखों और स्किन में जाके डिपॉजिट होता है, जिस वजह से बच्चे हमें पीले दिखाई देते हैं। अगर माँ और बच्चों का ब्लड ग्रुप मिसमैच हो, जैसे अगर माँ ओ ब्लड ग्रुप हो और बच्चे ए या बी ब्लड ग्रुप हो, तो ये रिस्क ज़्यादा रहता है। दूसरा कारण प्री मैच्योरिटी है। अगर बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं तो रिस्क जॉन्डिस का बढ़ जाता है। बच्चे अगर 34 वीक से पहले हो तो ऑलमोस्ट 80% बच्चों में जॉन्डिस देखा जाता है और उसके इलाज की भी जरूरत ज्यादा पड़ती है। अन्य कारणों में बच्चों का इन्फेक्शन या सेप्सिस, हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स की कमी, जैसे थायराइड हार्मोन की कमी और G6PD एंजाइम की कमी आते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे गर्म मौसम ज्यादा रहता है, वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसमें शुरू के कुछ दिनों में दूध की मात्रा कम होना और उससे डिहाइड्रेशन होना एक कॉमन कारण है जॉन्डिस का। माँ के दूध में भी कुछ ऐसे तत्व या केमिकल्स होते हैं जो लीवर को फिल्टर आउट करने में थोड़ा सा डिले करते हैं, लेकिन माँ के दूध से होने वाला जॉन्डिस या ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस अक्सर ज्यादा मात्रा में नहीं होता और उसके इलाज की भी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जॉन्डिस या न्यूबॉर्न जॉन्डिस मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, या अगर आम भाषा में बोले तो आम तौर पे होने वाला जॉन्डिस, और दूसरा है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस या डेंजरस टाइप ऑफ जॉन्डिस। जो जॉन्डिस फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ में हो या पहले 24 घंटे में हो, जिसके साथ बच्चा सुस्त लगे या सिक लगे, बच्चे के किसी तरह की इम्बैलेंस या फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, उस तरह के जॉन्डिस को पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहा जाता है। इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अक्सर पहले 3 या 4 दिन में बच्चों में देखने में मिलता है, वो 5 से 6 दिन के अवधि पे जाके मैक्सिमम लेवल पे होता है और फिर धीरे धीरे पहले हफ्ते के एंड तक, मैक्सिमम 2 हफ्ते के एंड तक खत्म हो जाता है। अगर जॉन्डिस 2 हफ्ते के बाद भी दिखाई दे तो उसकी भी जांच और इलाज बहुत जरूरी है, उसको भी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में इंक्लूड किया जाता है। चलिए आइए हम जानते हैं न्यूबॉर्न जॉन्डिस के सिम्टम्स या लक्षणों के बारे में। कॉमन सिम्टम्स जो है वो है आंखों का या शरीर का पीला लगना। जो ये पीलापन है या इक्टरस बोला जाता है, ये शुरुआत चेहरे से होती है और धीरे धीरे शरीर के नीचे हिस्से में फैलता है। अगर किसी भी वक्त पाम्स या सोल यानी हथेली या पैर पीले लग रहे हैं तो उस बच्चे की जांच और इलाज जरूरी हो जाता है। अगर किसी भी वक्त पीलिया या जॉन्डिस 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो, तब भी उसका आगे जांचे और इलाज जरूरी होता है। यूरिन का गाढ़े पीले रंग का या हाई कलर्ड का होना और स्टूल्स का यानी पॉटी का सफेद होना। अगर यूरिन गाढ़ा पीला और स्टूल्स सफेद हैं, तो ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में आता है। इनकी जरूर जांच और इलाज होना चाहिए। बेबी के बर्थ के बाद शुरू के 1 या 2 दिन जब बच्चा हॉस्पिटल में होता है, तब वहाँ पे पीडियाट्रिशियन बच्चे की रोज जांच करते हैं।
उसमें से एक जांच पीलिए की या जॉन्डिस की भी होती है। अगर जॉन्डिस देखने में हमें लगता है कि ज़्यादा है, एक लिमिट से ऊपर जा रहा है जो सेफ लिमिट है, तो उसकी जांच के लिए हमें ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। न्यूबॉर्न जॉन्डिस वैसे तो अक्सर लगभग सभी बच्चों में होता है, लेकिन इन बातों से उसका थोड़ा बचाव किया जा सकता है। सबसे जरूरी, एडिक्वेट मात्रा में बच्चे को माँ का दूध या फिर फॉर्मूला मिल्क मिले जहाँ पे माँ का दूध अवेलेबल ना हो, जिससे ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस से बचा जा सके। दूसरा, माँ के ब्लड ग्रुप की जानकारी हमें हो, जिससे अगर माँ और बच्चे के ब्लड ग्रुप में कोई मिसमैच हो तो उसको हम पहले से ध्यान में रख सकें। तीसरा, साफ और स्टेराइल प्रोसीजर्स बच्चे पे किए जाएं, जिससे इन्फेक्शन से बचा जा सके, जॉन्डिस से बचा जा सके। तो जानते हैं न्यूबॉर्न जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के क्या क्या तरीके होते हैं। अक्सर जो न्यूबॉर्न जॉन्डिस है वो अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जॉन्डिस या फिर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो तो उसके ट्रीटमेंट की हमें जरूरत पड़ती है। किसी भी वक्त अगर जॉन्डिस 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो या फिर बच्चे की आयु के हिसाब से लिमिट सेट है उसके हिसाब से ज़्यादा हो तो उसे फोटोथेरेपी नामक इलाज की जरूरत पड़ती है। इसमें बच्चे को ब्लू कलर की लाइट में रखा जाता है, अक्सर कोई आईवी फ्लूइड या एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट नहीं जरूरत पड़ती है। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है और आजकल की एलईडी लाइट्स की दुनिया में बहुत जल्दी बच्चे को असर देखने को मिलता है। 24 to 48 hours में बच्चों का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर जॉन्डिस बहुत ही स्पीड से बढ़े या एक लिमिट से ऊपर जाए तो हमें खतरा होता है कि ये बिलीरुबिन या येलो पिगमेंट बच्चे के ब्रेन में जाके डिपॉजिट हो सकता है, इरिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशंस नामक कर्निक्टरस को जन्म दे सकता है। इसके लिए हमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एक इंटेंसिव ट्रीटमेंट है, जिसके लिए हमें NICU की फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे ट्रेन न्यूरोटोलॉजिस्ट और बाकी स्टाफ जरूरी है। अक्सर माता और पिताओं के बहुत सारे क्वेश्चंस या डाउट रहते हैं पीलिए को लेके, जिसमें सबसे कॉमन डाउट रहता है कि क्या हम बच्चे को अपना दूध या मदर फीड दे सकते हैं। बिल्कुल, बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे कुछ मिथ्स इस बीमारी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि पीले कपड़ा पहनने से, माँ का पीला रंग के खाना खाने से बच्चे में जॉन्डिस होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत हैं, बिल्कुल ही बेबुनियाद है। क्या आप जानते हैं न्यूबॉर्न जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में फिल्टर्ड सनलाइट हेल्प करती है, लेकिन डायरेक्ट तेज धूप में बच्चे को रखना एडवाइजेबल नहीं है। जो न्यूबॉर्न जॉन्डिस की ट्रीटमेंट है उसमें फिल्टर्ड सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर तेज धूप में बच्चे को रखा जाए तो डिहाइड्रेशन और सनबर्न होने का खतरा रहता है। बच्चे की स्किन बहुत ही नाजुक होती है, इसलिए डायरेक्ट धूप में बच्चे को नहीं रखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को न्यूबॉर्न जॉन्डिस के बारे में इस वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी और आपकी कुछ चिंताएं कम हुई होंगी। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में भी आपको और कंडीशंस के बारे में जानकारी देते रहें। धन्यवाद।